Dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruiya, Government College, Ramgarh Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. बच्चों BSc Part 2 में Inorganic Chemistry First Paper हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है Non Aqueous Solvents, निर्जलीय विलायक. This is the Part 2nd Part. Fine. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दो तरह के सॉल्वेंट्स बताए थे. एक तो वे विलायक जो आयनित होते हैं, आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स, और एक वे विलायक जो अनायनित होते हैं, नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स. बच्चों ऐसा है कि सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम 11th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं. जैसे नाम आता है यहां पर अनआयन कारक विलायक यानी नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स, ऐसे सॉल्वेंट्स जो आयनित नहीं होते हैं, राइट. तो अनायनित सॉल्वेंट्स में हमें तुरंत ध्यान इस चीज का आता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, अध्रुवीय विलायक. यानी अध्रुवीय विलायक का मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ये हम तुरंत इस चीज को इमेजिन करते हैं, पता कर लेते हैं कि नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स का मतलब है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स अध्रुवीय विलायक. हम देखते हैं बच्चों की एक पैरामीटर है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट. और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस बात का पैरामीटर है कि जो सॉल्वेंट है उसकी विलायकीयन क्षमता, सॉल्युबिलिटी कहना चाहिए, सॉल्युबिलिटी पावर, उसकी सॉल्युबिलिटी की क्षमता उसकी क्या है, और उसे हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम जब आयनिक यौगिकों में सॉल्वेशन के बारे में स्टडी, जल योजन के बारे में स्टडी करते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, दैट इज अराउंड 80. जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का वो सबसे ज्यादा होता है. और हम यहां पर सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स के बारे में. तो बच्चों देखिए कि जो नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स होते हैं उनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए स्केल टू मेजर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट, है ना. ये एक तरह से विलायक की विलायकीयन क्षमता का माप है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. यहां बच्चों जो नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट होते हैं उनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अध्रुवीय, बच्चों डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अध्रुवीय, बहुत कम डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक वाले नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं. इस लाइन का तात्पर्य है कि जो सॉल्वेंट्स नॉन आयोनाइजिंग होते हैं वे बहुत कम डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक वाले नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल बेंजीन, CCl4, टॉलुइन, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं. बच्चों यहां पर बेंजीन में पैराफीन का सॉल्यूशन इसका उदाहरण है. यहां पर बच्चों बेसिकली पैराफीन इज द मॉम, जिसे वैक्स सर कहते हैं, पैराफीन उसका हम इस सॉल्युबल बेंजीन, तो ये इसका एक एग्जांपल है. इस प्रकार के विलयन में सॉल्यूट विलेय एवं विलायकों के मध्य विलायक संकरण की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है. कहने का मतलब यह बच्चों कि जैसे हम बात करते हैं कि जब हम एल्कोहल की वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पर एक तरह से एक सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट इज विलायक संकरण. लेकिन यहां पर इन सॉल्वेंट्स के अंदर जो विलायक संकरण होता है उसकी बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है, और ये सॉल्वेंट्स एप्रोटिक सॉल्वेंट के नाम से जाने जाते हैं. एप्रोटिक का मतलब होता है
जिनमें प्रोटॉन रिलीज नहीं होता है, राइट। मैंने फर्स्ट लेक्चर में दो प्रकार के सॉल्वेंट्स को डिवाइड किया था, एक सॉल्वेंट डिवाइड किया था हमने अनआयन कारक विलायक, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, तो वो ये होते हैं जिनके अंदर की एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स, क्लियर। नाउ सेकंड वन इज द आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स, दीज आर द पोलर सॉल्वेंट्स, ध्रुवीय विलायक। बच्चों ये विलायक ध्रुवीय पदार्थ होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही हम आयोनाइजिंग सॉल्वेंट की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है H2O, क्योंकि H2O इज द डाइपोलर सॉल्वेंट। इसमें प्लस भी होता है, इसमें माइनस भी होता है, और मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में एक कैटेगरी डिवाइड की थी, उसमें कहा था, एक कहा था मैंने प्रोटोजेनिक, जिनमें प्रोटोन निकलता है, दूसरा प्रोटोफिलिक, जो प्रोटोन लेते हैं बेसिक इन नेचर, और तीसरा मैंने कहा था एम्फीप्रोटिक, राइट, दैट इज एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स, जिनके अंदर की एच प्लस और ओ एच माइनस, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो इसका एग्जांपल बच्चों वाटर, यहां पर बेटा कि दीज आर द पोलर सॉल्वेंट्स कंपाउंड्स, और शुद्ध अवस्था में ये आयनों के रूप में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 100% H2SO4 लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड व BF3, ऐसे द्रव हैं बच्चों। पोलर नेचर के कारण इनके परमाणु परस्पर जुड़े रहते हैं, राइट। इसके अंदर क्या होता है, एक सिरा धनायन होता है, एक सिरा ऋणायन होता है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया, और दूसरे मॉलिक्यूल का ऋण सिरा पहले मॉलिक्यूल के धन सिरे के साथ। बहुत बच्चों एलिमेंट्री चीज है, इसको मैं लिख करके बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट्स आपस में एसोसिएटेड रहते हैं, राइट। यहां पर आयनिक पदार्थ इनमें तभी घुलते हैं जब सॉल्वेशन एनर्जी का मान विद्युत अपघाट्यकी जालक ऊर्जा से अधिक हो जाता है। बच्चों देखिए ऐसा है कि ये आपने बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा है। हम बात करते हैं, सपोज करिए यहां पर हम इसकी बात करते हैं, Na+Cl-, राइट। यहां पर ये दो आयन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है आयनों के बीच में, दैट इज लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, राइट। और जब किसी सॉल्वेंट की सॉल्वेशन एनर्जी, राइट, और वाटर के सेंस में इसे हम कहते हैं जलयोजन ऊर्जा, और अदर सॉल्वेंट के सेंस में इसे हम कहते हैं विलायकीयन ऊर्जा। बच्चों यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, अगर उतनी ऊर्जा विलायक में होती है, और विलायक में उस ऊर्जा को हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, राइट, और वाटर के सेंस में हम इसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन जालक लैटिस एनर्जी, जो आयनों के बीच में अट्रैक्शन के कारण निकलती है, यदि लैटिस एनर्जी यू से ज्यादा होती है सॉल्वेशन एनर्जी, देन दिस इलेक्ट्रोलाइट इज सॉल्युबल। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स, राइट। तो हम देखते हैं बच्चों कि यहां पर जो सॉल्वेंट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज में है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर देखिए क्या होता है, कोई भी सॉल्वेंट, यहां एग्जांपल मैंने दिया है वाटर का, बच्चों यहां पर जो विलायक है उसका गलनांक से क्वथनांक ताप वाला क्षेत्र वो कहलाता है द्रव ताप क्षेत्र। वाटर का 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, राइट। वाटर बच्चों 0 डिग्री के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेल्ट होने लग जाता है, सॉलिड टू लिक्विड, राइट, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉइल होने लग जाता है, यानी ये इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का क्वथनांक होता है। तो यहां पर जल का, वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप क्षेत्र, बच्चों यहां पर ये कैसा है, इट्स ए ब्रॉडर, काफी लंबा एरिया है, इसलिए होने के कारण यह अभिक्रियाओं में
महत्वपूर्ण विलायक है। राइट, यहां पर रेंज बहुत ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए वाटर इज ए इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। करेक्ट। नाउ जब अमोनिया की हम बात करते हैं तो अमोनिया का द्रव चाप द्रव ताप क्षेत्र कितना होता है? -77.8 डिग्री से -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बियॉन्ड द इमेजिनेशन, -33.4% अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, और इसका गलनांक कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट 77.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों यहां पर इसकी अमोनिया की जो यूटिलिटी है बहुत लिमिटेड है, लेकिन वाटर के अंदर हम देखते क्या है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो द्रव ताप क्षेत्र होता है वो इतना ब्रॉडर होता है कि ये हम एक तरह से हम इसको कहते हैं वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। करेक्ट। तो पहला इसमें है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी को भौतिक गुण किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला पॉइंट इसके अंदर बच्चों है गलनांक एवं क्वथनांक। राइट। और हमने ये देखा कि वाटर के अंदर ये द्रव ताप क्षेत्र की रेंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। नाउ सेकंड पॉइंट, द्विध्रुव आघूर्ण। राइट। देखो बच्चों, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि HCl। राइट। और HCl में हम हाइड्रोजन को दिखाते हैं पार्शियली पॉजिटिव और Cl को दिखाते हैं पार्शियली नेगेटिव। इसी तरह से वाटर के अंदर HOH, दिस इज द पार्शियली पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियली नेगेटिव। यहां पर इसके अंदर क्या हो गए? इसके अंदर इस तरह से वाटर के अंदर दो पोल, डाइपोल। राइट। यहां पर देखो बेटा, पोलर सॉल्वेंट कोवेलेंट बॉन्ड वाले अणु में धनावेश व ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, दिस इज द पोलर सॉल्वेंट। दोनों आवेशों के केंद्र के मध्य की दूरी और आवेश के गुण थी बच्चों, दिस इज द डिस्टेंस इन दोनों आयनों का, धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी और इनके ऊपर चार्ज, इसके गुणनफल को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। बच्चों इसको आपने कोवेलेंट बॉन्ड में लास्ट ईयर आपने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है ना, पूरा एक टॉपिक इसमें पढ़ा है 12th में और फर्स्ट ईयर में, 12th में और 13th क्लास में आपने डाइपोल मोमेंट के बारे में, डाइपोलर डाइपोल मोमेंट इन द कोवेलेंट बॉन्ड इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस म्यू इज द डाइपोल मोमेंट बराबर ई इंटू डी। ई क्या है? इन दोनों पोल के ऊपर चार्ज, और डी क्या है? इनका डिस्टेंस। तो बच्चों यहां पर डाइपोल मोमेंट का मान अधिक होने वाले विलायक ध्रुवीय विलय पदार्थों के लिए अच्छे विलायक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जिनमें डाइपोल मोमेंट का मान अधिक होता है, यानी यहां पर इस चार्ज का सेपरेशन ज्यादा होता है, उनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा होते हैं। राइट। उनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। हम तीसरा बिंदु देखते हैं यहां पर, थर्ड पॉइंट क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसा मैंने आपसे कहा कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए मेजरमेंट, ये एक ऐसा माप है जिससे हम किसी सॉल्वेंट की विलायकीय क्षमता है ना, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे विलायकीय क्षमता, सॉल्वेशन एबिलिटी, इसका हम माप है एक तरह से। तो देखो बेटा यहां पर एक धनायन और ऋणायन के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, सी इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा दैट इज द कूलॉम्बिक फोर्स, जिसको हम लिखते हैं बच्चों एफ बराबर अट्रैक्शन फोर्स बराबर ई1 ई2 अपॉन डीआर स्क्वायर। यहां पर ई1 ई2 क्या है? धनायन और ऋणायन का आवेश। आर क्या है? इनके बीच की दूरी। और डी क्या है? माध्यम का डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, हमने किस तरह का सॉल्वेंट काम में लिया है। यहां पर बच्चों डी का मान, डी का मतलब है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, विलायक का डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक, यहां डी का मान आयनों के मध्य पाए जाने वाले माध्यम पर निर्भर करता है। यहां पर यदि डी का मान अधिक होने पर एफ का मान बच्चों
हमने ये फॉर्मूला हमारे पास है, F यहां पर क्या है, F यहां पर है धनावेश और ऋणावेश, इनके बीच में अट्रैक्शन, राइट। और यहां पर D जो है, D इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। अगर किसी सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अधिक है, D का मान अधिक है, तो F आयनों के बीच में अट्रैक्शन का मान कम होगा और D के हाई मान होने वाले द्रव इंट्रा आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स कम करते हैं। बच्चों जैसा हम कहते हैं कि वाटर, और वाटर में क्या होता है, यू नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। यहां पर हम यह बताना चाह रहे हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मांग ज्यादा होने पर इंट्रा आयोनिक अट्रैक्शन फोर्सेस कम होते हैं, अर्थात आयनों को बांधने वाले बल दुर्बल हो जाते हैं। अतः एवं आयनिक क्रिस्टल विलायक के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। मैंने आपको बताऊं बच्चों कि हम लाइक दिस, सुनो, हम बात करते हैं एम एक्स, दिस इज द प्लस एंड दिस इज माइनस, और हम जब इसकी सॉलिडिटी वाटर में दिखाते हैं इस तरह से, इसका ऋण सिरा, इसका धन सिरा, ऋण सिरा, धन सिरा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव है ना, दिस इज नेगेटिव, सो दैट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मैं अच्छा आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, धनावेश ऋणावेश, राइट। और ये क्या है हमारा, ये हमारा पोलर सॉल्वेंट। इस इलेक्ट्रोलाइट में जो धनावेशित है आयन, उसको सॉल्वेंट का ऋण सिरा अट्रैक्ट करेगा, और इसको जो कि ऋणावेशित सिरा है, ऋणावेशित सिरा किसका है, इलेक्ट्रोलाइट का, उसको सॉल्वेंट का धन सिरा अट्रैक्ट करेगा। और कब तक करेगा, जब तक कि इनके बीच का जो जालक ऊर्जा है उसका मान कम नहीं हो जाता। तो मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि आयनों को बांधने वाले लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा बल दुर्बल हो जाते हैं, और एवं अंत में आयनिक क्रिस्टल विलायक में डिसॉल्व हो जाता है, और जल के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 80 होता है, जबकि NH3 के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 22 होने के कारण वाटर इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट, जल एक बहुत ही अच्छा विलायक है। चौथा पॉइंट इसके अंदर बच्चों देखते हैं कि विद्युत चालकता, कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं हम, कि ये विलायक द्रव अवस्था में स्वतः आयनित होते हैं, अतः विद्युत सुचालकता से इनकी स्वतः आयनन की प्रकृति का पता लगता है, राइट। अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं और कंडक्टिविटी मेजरमेंट से हम इसके अंदर ऑटो आयनाइजेशन, स्वतः आयनन को मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रत्येक विलायक के अंदर कंडक्टिविटी मेजरमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ इज द विस्कोसिटी, शांतता। बच्चों एक तरह से मोटे रूप से हम कहें कि विस्कोसिटी, एंड विस्कोसिटी क्या है बेसिकली, कि जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स का एक तो हम कहते हैं पतलापन और एक होता है गाढ़ापन। जैसे हम बात करें जल, एल्कोहल, आप देखेंगे बहुत ही थिन लिक्विड्स हैं, जबकि हम बात करें कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड गाढ़ा होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, राइट। यहां पर शांतता, विस्कोसिटी, बच्चों शांतता द्रव विलायकों का एक विशिष्ट गुण है। कुछ विलायक जैसे जल, कम अणुभार वाले एल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल एंड इथेनॉल, लिक्विड NH3 बहुत पतले द्रव है ना, बहुत ही मतलब हम अगर इसको बेसिकली, बच्चों देखो क्या होता है कि जो हम आप तो BSc पार्ट फर्स्ट में प्रैक्टिकल करते हैं, कौन सा वाला प्रैक्टिकल करते हैं, विस्कोसिटी का, है ना, विस्कोमीटर से हम विस्कोसिटी का जो करते हैं, तो यहां पर देखो बेटा क्या होता है कि जो लिक्विड्स हम वहां पर विस्कोसिटी शांतता का मापन करते हैं। यहां पर देखो मैंने बताया आपको कि वाटर लो मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल्स लाइक
मिथेनॉल एंड इथेनॉल एंड लिक्विड अमोनिया, ये बहुत पतले द्रव हैं, जबकि प्योर सल्फ्यूरिक एसिड और हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल, ये इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। आप देखेंगे ये गाढ़ापन इनमें होता है। जैसे ग्लिसरीन की, ट्राइग्लिसरॉल की बात करें, दैट इज ग्लिसरॉल की बात करें, है ना, वो कंपैरेटिवली उसकी डेंसिटी गाढ़ापन उसकी ज्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट इज द, हाँ तो बच्चों यहां पर H2SO4 और हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल गाढ़े होते हैं, इसलिए क्षमता कम होने पर आयनन व अणुओं की विलायकन गतिशीलता बढ़ जाती है, नेचुरली मोबिलिटी ऑफ द आयन्स इज इंक्रीज ड्यू टू लोअर विस्कोसिटी, कम क्षमता होने के कारण आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट बच्चों, नाउ इज द प्रोटोन एफिनिटी, राइट। देखो बेटा यह केवल प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स पे लागू होती है। अब देखो बेटा NH3 की प्रोटोनेशन एफिनिटी जल की अपेक्षा अधिक है। मैं आपको बताऊं NH3 में क्या होता है, लोन पे हम कहते हैं कि NH3 इज द बेसिक इन नेचर, वीक बेसिक इन नेचर, और NH3 इमीडिएटली H+ से रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, NH4+, जबकि H2O H3O+ बनाता है हाइड्रोक्सोनियम आयन, अमोनिया H+ के साथ अमोनियम आयन बनाता है, और H2O H+ के साथ H3O+ हाइड्रोक्सोनियम आयन बनाता है। लेकिन हम देखते क्या है यहां पर कि अमोनिया की प्रोटोन एफिनिटी इज मोर देन वाटर, राइट, यानी अमोनियम आयन का फॉर्मेशन फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो बच्चों यहां पर एक एग्जांपल हमने देखा है कि एसिटामाइड जलीय विलयन में वीक बेस है, लेकिन लिक्विड अमोनिया में ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। देखो बच्चों यहां पर एसिटामाइड CH3CO2 और वाटर के अंदर ये प्रोटोन लेता है, एंड प्रोटोन लेने का मतलब ये कैसा हो गया, बेसिक इन नेचर, जबकि यहां पर हम क्या देखते हैं एसिटामाइड अमोनिया के अंदर ये क्या करता है, प्रोटोन रिलीज करता है, राइट। तो यहां पर प्रोटोन एफिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम सॉल्वेंट को चेंज करते हैं, जो हमारा कंपाउंड है उसकी नेचर बदल जाती है। एसिटामाइड वाटर के अंदर वीक बेस, जबकि एसिटामाइड लिक्विड अमोनिया के अंदर ये कैसा शो करता है, एसिडिटी शो करता है, राइट। तो बच्चों दिस इज द इफेक्ट ऑफ, हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द विलायकों की भौतिक गुणों के बारे में, ये मैंने आपको पार्ट सेकंड में बताया है। नाउ इन द पार्ट थर्ड हम इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।